टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा में नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल के विरोध में प्रशिक्षु डॉक्टरों ने रोष रैली निकालकर इस बिल का विरोध जताया है। इनका कहना है कि ये बिल प्रशिक्षुओं के हित में नहीं है और ये बिल प्राइवेट स्वास्थ्य संस्थानों के लिए लाभदायक है। अगर बिल को पास किया गया तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आज की विरोध रैली का आयोजन सेंट्रल स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट टांडा अस्पताल ने बताया कि इस बिल को पारित कर सरकार डॉक्टर समुदाय के साथ खिलवाड़ कर रही है और अगर ये पास हो जाता है तो इससे डॉक्टरों में बेरोजगारी छा जाएगी और प्राइवेट स्वास्थ्य संस्थानों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस बिल में कई ऐसे बिंदु हैं जो डॉक्टरों के हित में नहीं है। इसके अलावा बिल के अंदर दोहरी परीक्षा पद्धति को जोड़ा गया है जो कि नए डॉक्टरों के हित में नहीं है। इसके अलावा अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर का प्रशिक्षण हासिल करता है तो बिल के अनुसार 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद वह भी MBBS डॉक्टर के बराबर हो जाएगा और वह भी एलोपैथिक की प्रैक्टिस कर सकता है। उन्होंने कहा कि उनका सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से ये अनुरोध है कि इस बिल को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि इस बिल के विरोध में आज पूरे भारत के प्रशिक्षु डॉक्टर उतरे हैं और अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया तो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हम ये यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं अगेंस्ट NMC बिल, दैट इज नेशनल मेडिकल कमीशन बिल, जो कि MCI को डिसॉल्व करके ये जो नया बिल आ रहा है MCI बिल, इसके अगेंस्ट हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि आप ये बिल लेके ना आओ। हमारा मुद्दा ये है कि जो इस बिल में कमियाँ हैं आप उनको दूर करके इस बिल को लेके आओ। क्या कमियाँ नजर आती है इसमें? 5 हमारे मेन एजेंडे जो इसमें हमें लग रहे हैं कि इसमें कमियाँ हैं। पहली बात ये, पहले जब MCI को डिसॉल्व करके ये NMC बिल आ रहा है तो MCI में इलेक्टेड मेंबर भी थे और नॉमिनेटेड मेंबर भी होते थे। अप्रोक्सीमेट 99 अगर फॉर एग्जांपल आई